आर्या सर, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना? वो आपने अब तक जानवी शिट रेना दिया गुरु ने देख लिया, फालतू का सीन क्रिएट करेंगी। हाँ सर, सर सर आर्या सर, थैंक यू थैंक यू। जानवी, अरे तुमने अभी तक ब्लडी पोशाक पहनी नहीं। हेलो। हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ, फिट नहीं आ रही क्या तुम्हें? नहीं, वो मैंने अब तक पोशाक पहनी नहीं, मैं अभी पहन कर आती हूँ। जल्दी करो प्लीज। रेना, जानवी कहाँ है? पोशाक ट्राई कर रही है पर लगता है शायद उसे फिट ही नहीं आ रही है। जानवी, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इधर आ। बिल्कुल राजकुमारी जैसी सुंदर लग रही है। और ये पोशाक, इसे तो बिल्कुल भी ऑल्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुंदेला खानदान की तुम पहली बहू हो जिसको इस पोशाक में कोई भी ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जानवी, इसे उतार के ना संभाल के रखते हैं। ठीक जी। चलिए मास्टर जी, मेरे साथ चलिए। जानवी वाह, क्या बढ़िया नौलखा हार मिला है तुम्हें। ऐसा करो, अभी के लिए मुझे ये कियान नहीं, वो हार दे दो। मुझे धमकाना बंद करो, ना तुम्हें कियान मिलने वाला है और ना ही वो हार, समझे? अरे इतनी बड़ी बातें बोलने से पहले ये तो पता करो कि तुम्हारा कियान कहाँ है। क्या मतलब, क्या मतलब कियान का है? कियान मेरी ही गोद में बैठा है इस वक्त, मुंह मांगी कीमत मिलेगी मुझे उसकी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे कियान को तुमने कहा, तुम कियान, आप ठीक हो ना? हाँ जान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हीरो के दादाजी ने मुझे ये सूट गिफ्ट किया। जान, मैं खेलने जाऊँ? कियान को तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारा होने वाला पति आर्या, जिसे तुम मेरे बारे में बताने के लिए बेताब हो, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। जो कॉफी वो नीचे अपनी फैमिली के साथ बैठकर पीने जा रहा है ना, वो उसकी जिंदगी की आखिरी कॉफी होगी, क्योंकि उसमें मैंने जहर डाल दिया है।
अरे सर नहीं नहीं, अरे हे ईश्वर, हे ईश्वर, हो गया सत्यानाश। अरे इस जानवी को जिस चीज के लिए मना करो ना, इसे वही करनी होती है। अरे यूं पोशाक पहन के दूल्हे के सामने आ गई, वो मंडप में जाने से पहले। माफ करना बहन जी, गलती हो गई मौड़ी से। ताई जी नहीं देखा उस दिन मैं बीच में आ गई ना। अरे चल आग बंद कर। अच्छा, और जाए यहाँ से। ओके ठीक है, नहीं नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। चल जा भीतर जा जल्दी से, आर्या से इस पोशाक में ना ही मिल सकत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार तो आर्या को बचा लिया तुमने जानवी, पर अगर तुमने उसे मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की तो अगली बार तुम उसे नहीं बचा पाओगी, समझी? तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा, मुझे वो नौलखा हार दोगी या नहीं? दे दूंगी, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। प्लीज उन्हें कुछ मत करना और मेरे कियान को मत ले जाना प्लीज। हाँ ये हुई ना बात। होटल में रूम नंबर 312 में होऊंगा मैं, जब बुलाऊंगा आके मुझे वो हार दे देना। चलो चलो चांद, खाना खा लो, आओ बैठो बैठो। अरे जान, पर वापस संगीत छंदा में तो इतना सारा खाना होगा ना, फिर आप ही मुझे घर का खाना क्यों खिला रही हो? हीरो के दादाजी और मैंने बढ़िया मेन्यू सिलेक्ट किया है। लेकिन कियान, बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है और आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैम की तबीयत खराब हो। हाँ ठीक है, हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, घर का ही खाना खाएंगे। देखो अगर मैंने आर्या सर को उस आदमी के बारे में बताने की कोशिश की तो वो आर्या सर को मार सकता है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लो चा, चलो आ करो। शाबाश।